नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को, जो देता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा डिस्काउंट। दोस्तों साथ में आपको कोई भी नया बैट लेने पर, चाहे आप सस्ते सस्ता बैट लीजिए, आपको मशीन द्वारा नॉकिंग करके दी जाती है, ऑयलिंग भी, टेपिंग भी। दोस्तों आज की वीडियो है ओल्ड बैट ले या नया बैट ले। तो दोस्तों काफी लोग पुराने बैट की तरफ भागते हैं क्योंकि उनका बजट कम होता है, और पुराने बैट की तरफ जाने का मतलब है बिल्कुल आप अपने पैसों को आग लगा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो बनाने का यही मकसद है कि कैसे धोखाधड़ी हो रही है पुराने बैटों पर। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों कुछ पुराने बैट भी और कुछ नए बैट भी। ये दो तो मेरे पर्सनल बैट हैं, तो मैंने इनको एज ए एग्जाम्पल रखा है, और ये जो बाकी के बैट्स हैं ये ब्रांड न्यू बैट्स हैं। दोस्तों मार्केट में क्या स्कैम चल रहा है आज इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। दोस्तों कई भाइयों का बजट नहीं होता, कई लोग नए आते हैं क्रिकेट में तो सोचते हैं नए बैट पे इन्वेस्ट ना करके, जो कि आजकल इंग्लिश विलो महंगी महंगी हो चुकी है, 10-10 हज़ार की हो चुकी है। आपको पता ही है इंग्लिश विलो बैट्स कितने महंगे हैं। वो सोचते हैं पुराना बैट ले लेते हैं, हमको आधे से कम दाम में भी मिल जाएगा और बैट खुला हुआ मिल जाएगा। क्योंकि नया बैट अगर आप लेते हैं तो उसको टाइम भी देना पड़ता है, उसको रवा करना पड़ता है, उसको नेट्स करने पड़ते हैं बैट के साथ, ताकि बैट अच्छे से खुले। तो मैं आपको बताता हूं क्या स्कैम चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ये दिखाता हूं, जैसे ये बैट है डीएससी का, मैं आपको पहले इसी का एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लो कोई बैट लेने जाता है मार्केट में, और ये मैं कोई भी दिखाएगा, भैया देखो डीएससी का बैट है और ये ब्लैक 300 इसका मॉडल है। और आपको पता ही है यार कितने तो स्टीकर आजकल डुप्लीकेट आते हैं, कोई भी डुप्लीकेट स्टीकर लगा देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बैट ओरिजिनल हो गया। तो दोस्तों आप इन चक्रों में मत पड़िए, क्योंकि क्या होता है मार्केट में लोग क्या करते हैं, 1500-1500 रुपए के बैट आते हैं कश्मीरी बिल्लो, जो कि आपको पता है घर घर कोने में बन रहे हैं, मेरठ में भी बहुत जगह, तो वहां से वो बैट लेके आते हैं। आपका स्कैम कैसे करते हैं, बैट लेके आए तो उस पर लगा देते हैं कोई भी कंपनी का स्टिकर, एक्स वाई जेड, जैसे एस जी का लगा दिया, एस एस का लगा दिया, और आपको बेवकूफ बनाते हैं, बोलते हैं कि भैया ये बैट है। और उस बैट को दोस्तों क्या करते हैं, पहले तो नया लेके आते हैं वहां से फैक्ट्रियों से, और उस बैट को थोड़ा सा खेल खेल के पुराना कर देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा ओल्ड कंडीशन में लगे आपको, और स्टिकर चढ़ा देते हैं बिल्कुल हूबहू ब्रांड न्यू, जो बैट आते हैं मार्केट में जो ब्रांडेड बैट होते हैं उन्हीं का मॉडल नंबर का स्टिकर लगा देते हैं, और आपको बताया जाता है कि भैया ये बैट है, ये आपको मार्केट में तो नया बैट मिलेगा 15,000 का, पर हम आपको दे रहे हैं 4,000 का, बल्कि जो आपको 4,000 का बेच रहा है वो 1500 रुपए का लाया है, उल्टा आपको और बेवकूफ बनाया जा रहा है पुराने बैट के नाम से। तो दोस्तों इन चक्रों में मत पड़िए, बहुत ही आपको बाद में जाके पता चलेगा कि आपके साथ स्कैम हो चुका है। तो दोस्तों ये तो मेरे पर्सनल बैट थे, एज ए एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए ना दो बैट लेके आया हूं। देखिए अब आप बताइए ग्रेन्स किस में ज्यादा है। मान लीजिए ये स्टिकर आप नहीं है, तो मतलब कि ये ब्रांडेड बैट है, मान लो ये बैट हम कोई भी बैट ये डुप्लीकेसी करके जैसे बेचता है, ये तो कश्मीरी विलो है। देखिए कश्मीरी विलो में ज्यादा ग्रेन्स आ रही है एज कंपेयर टू इंग्लिश विलो। दोस्तों ये इंग्लिश विलो है कितने का, 18,900 रुपए का, आप देखिए 18,900 का है, पर इसमें कम ग्रेन्स है, ये है इंग्लिश विलो, ये है कश्मीरी विलो। देखिए वो क्या करते हैं, स्टीकर चेंज करके ग्रेन ज्यादा के नाम इसमें ग्रेन ज्यादा आ रही है, तो इस पे नकली स्टिकर लगा देते हैं इंग्लिश विलो कह के बेच देते हैं ऐसे बैटों को। तो हमारे पास तो ये ओरिजिनल है, देखिए सील पैक बैट्स हैं, ये कश्मीरी विलो है, ये है इंग्लिश विलो। तो इन स्कैमों में ना पड़िए दोस्तों, हमेशा चूज करिए नया बैट, हमेशा अगर आप नया बैट चूज करेंगे प्रॉफिट में रहेंगे, और आपको कम से कम दिल की संतुष्टि होगी कि आपने नया बैट लिया, वो भी जेन्युइन लिया है। क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ से लेते हैं बैट, हम तो पुराने बैट्स में डील नहीं करते, पहले मैं आपको बता दूं, और अगर आप हमारे यहाँ से कोई भी नया बैट लेते हैं तो हमारे यहाँ पे देखो बार कोड्स होते हैं दोस्तों, कोई भी नया बैट लेने पर अगर आप ये स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन आपको पता चल जाएगी कंपनी की वेबसाइट से। एस जी पे देखिए ऐसा आता है, और इसको स्क्रैच करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है एस जी की ऐप डाउनलोड करके। तो यहाँ पे इंडिया स्पोर्ट्स पे आपको हर एक चीज़ जेन्युइन मिलेगी, हर एक चीज़ आपको न्यू मिलेगी। मैं आपको एक बैट और दिखाना चाहता हूँ, देखिए इसका भी एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ मैं आपका। ये देखिए ये है कश्मीरी विलो बैट, ये है इंग्लिश विलो। तो दोस्तों ये मात्र 2800 रुपये का, पर 2800 में देखिए कितनी ग्रेन्स आ रही है। कोई आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बना सकता है इसका स्टिकर निकाल के,
और दूसरा स्टिकर लगा दिया इंग्लिश विलो का, मार्केट में आपको पता ही है कैसे कैसे तो यार स्कैम होते हैं। और देखिए इसमें आपको कम ग्रेन्स दिख रही है बटरफ्लाई ग्रेन्स, पर इसमें स्ट्रेट ग्रेन्स दिख रही है, पर फिर भी ये सस्ता है दोस्तों। विल्लो विल्लो का फर्क होता है, जरूरी नहीं है इसमें कम ग्रेन्स है तो ये अच्छा बैट नहीं है। विल्लो के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी विल्लो है, इंग्लिश है या कश्मीरी है। तो कई बार आपको पुराने बैट देखिए आपको ये भी नहीं बताया जाता, देखिए जैसे मेरा ये पुराना बैट है इसका हैंडल चेंज हुआ था, पर जो नया आता है इस खेल में उसको नहीं पता होता कि ये हैंडल चेंज है क्या है। और आपको बिल्कुल मतलब कि पागल बना दिया जाता है, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या चीज़ लिया है। देखिए पुराना बैट हो चुका है और आपको ऐसे मतलब कर देंगे कि भैया कोई फॉल्ट नहीं है बैट पे, कोई कुछ नहीं है, बढ़िया बैट है। तो इन चक्रों में मत पड़िए दोस्तों, हमेशा लीजिए नया बैट। हमारी हमेशा यही सजेशन रहेगी कि पुराने बैट के चक्रों में मत पड़िए। पुराने बैट आते हैं जहाँ से बन के आते हैं फैक्ट्रियों से, उस पर लोग क्या करते हैं उसको पुराना कर देते हैं थोड़े दिन खेल के उससे, और क्या कहते हैं उस पर स्टीकर लगा देते हैं, और आपको वही बैट 1500 वाला बैट आपको 3500-4000 में बेच देते हैं और बोलते हैं कि भैया ये तो 15000 MRP का है, बाहर मार्केट में आप पता कर लीजिए। और एक बार आपको पता है कि इनकी इनका स्टीकर खुल गया तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या एक बार ये पन्नी फट जाती है तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये बैट ओरिजिनल है कि नहीं है। और पहले ये सील पैक होता है, देखिए नया बैट आ रहा है तो ये सील पैक्ड है, इस पे MRP का स्टीकर लगाया है बकायदा, तो आप स्कैन करके आपको पता चल जाएगा कि ये बैट ओरिजिनल है कि नहीं है। अब जैसे ये बैट है मेरा, अब खेला हुआ बैट है, अब कोई इसको कह नहीं सकता कि ये मतलब कि जेन्युइन है कि नहीं है। हो सकता है जेन्युइन हो भी, हो सकता है जेन्युइन ना भी हो, वो तो मेरे को पता है, लेने वाले को पता है जब मैंने लिया था तो ये सील पैक लिया था। तो अब तो देखो इसकी कंडीशन कैसी है, अब बिल्कुल इस पर बार कोड नहीं है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इस बैट को। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कुछ मैं चाहता था आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई कस्टमर्स आते हैं वो कंप्लेंट करते हैं भैया मैंने उससे बैट लिया, उसने मेरे को पुराना बैट दिया था, बोला था जेन्युइन बैट है, टूट जाए तो भी गारंटी है हमारी। तो दोस्तों ऐसी गारंटियाँ बहुत देते हैं, वो बैट टूट जाएगा जब आप जाओगे ना उनके पास लेके तो आपको बोलेंगे कि भैया चेंज कर देते हैं, पर आपको 2000 ना और देने पड़ेंगे, ये उससे महंगा वाला बैट है, तो आपको इस चेन में फंसाया जाएगा। तो इस चेन में ना फंसिए दोस्तों, नया बैट लीजिए आप, चाहे कहीं से भी लीजिए, चाहे हमारे यहाँ से लीजिए चाहे कहीं और से भी लीजिए, पर गो फॉर न्यू बैट ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, तो हमारा कंटेंट रोज आता है। और बहुत बहुत शुक्रिया, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।